आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जब से चारा घोटाले में जेल पहुंचे हैं, तब से उनकी पार्टी और परिवार में बिखराव के हालात बने हुए हैं। लालू के दोनों लाल भी आपसी मतभेद के चलते अलग अलग राह अपना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता ने तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी घमासान मचना तय है। राजनीतिक भंवर में फंसा लालू परिवार, क्या दोनों भाइयों में आ गई है बड़ी दरार? क्या तेजस्वी की वजह से दूर हैं लालू के लाल तेजस्वी? जी हाँ, ये सवाल बीजेपी नेता के उस बयान के बाद उठने लगे हैं जिसमें बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेज प्रताप से उनके छोटे भाई बेहद नाराज हैं, इसीलिए तेजस्वी सामने नहीं आ रहे हैं। मंत्री विजय सिन्हा के मुताबिक तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव के सामने तेज प्रताप को पार्टी से निकालने की शर्त रख दी है। तेजस्वी का कहना है कि जब तक तेज प्रताप आरजेडी में रहेंगे तब तक वो पार्टी का कोई काम नहीं करेंगे। वहीं अभी तक लालू राबड़ी दोनों भाइयों के झगड़े को छिपाते रहे थे, लेकिन हालात अब बेकाबू हो गए हैं। आपको बता दें कि आम चुनाव में शिकस्त खाने के बाद से तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर नजर नहीं आए हैं और उनके गायब रहने पर आरजेडी के नेताओं की सफाई गले से नहीं उतर रही थी। कोई कहता बीमार है तो कोई कहता वर्ल्ड कप देखने इंग्लैंड गए हैं। उसी वक्त से कुछ गड़बड़ होने की आशंका जताई जा रही थी और सवाल उठ रहे थे कि अगर वो सचमुच इलाज करा रहे थे तो इसमें छिपाने वाली बात क्या थी। हालांकि विरोधियों के सवालों के बाद तेजस्वी पटना तो वापस लौट आए लेकिन विधानसभा में नहीं पहुंचे, और ऐसे में तेजस्वी का एक्टिव मूड में न आना विजय सिन्हा के बयान को बल जरूर देता है। खैर, परिवार में राजनीतिक कलह किसी से छिपती नहीं है। अब बीजेपी नेता के बयान पर आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।